मिलिए सिटी की ऐसी नव दुर्गाओं से जिन्होंने अपने काम से खुद की पहचान बनाई। नागपुर की दुर्गा। आज मेरे साथ है द गॉडेस ऑफ फिटनेस मधुमिता गोबरे, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट है। शी इज द डायरेक्टर ऑफ टू स्टेप्स फिटनेस एंड डांस स्टूडियो और बहुत सारे फिटनेस ब्रांड्स के साथ ही एसोसिएटेड है। शी इज अवॉर्डेड एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर फॉर द ईयर 2018 रिसेंटली बाय इंडियन वुमेन कन्वेंशन इन मुंबई, और साथ ही साथ शी इज अवॉर्डेड एज बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड 2017, अवॉर्डेड एज वुमेन्स अचीवर अवार्ड 2018, और इन्होंने मिसेस इंडिया मल्टीमीडिया का टाइटल भी जीता हुआ है। ग्रूमर है, फैशन स्टाइलिस्ट है, और न जाने कितनी सारी क्वालिटीज इनके अंदर है। वही कथक डांसर भी हैं ये, और बहुत सारी जगह पर फिटनेस सेशंस लेती हैं स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट्स में। तो इतना सारा मैनेज कैसे करती है मधुमिता? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपिका फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड इतना अच्छा दिन नहीं हो सकता यहाँ आने का कि नवरात्र चल रहे हैं एंड आई एम हियर, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेडियो सिटी एंड यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यस, इतनी सारी चीजें, बट यू फॉरगॉट दैट आई एम अ मदर एंड अ वाइफ टू। यस, सबसे बड़ी, आई मीन फिटनेस एक्सपर्ट होने से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर एंड वाइफ। यस, कैसे करती हूँ? सो कैसे करती हूँ, ये अकेले से तो नहीं होता है। इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट, माई हस्बैंड, माई सन, माई इन लॉज, माई फैमिली, एवरी वन सपोर्ट्स मी, दैट्स वाई आई एम हियर। एब्सोल्युटली। सो मैं वही समझना चाह रही थी कि एक तो सबसे पहले ये बताओ कि आपका इसमें फिटनेस में और इसी में करियर बनाना, इसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही डांसिंग में काफी था। एज यू रेड दैट मैं कथक डांसर रह चुकी हूँ, एंड डांसिंग वॉज माई पैशन, बट वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के चक्कर में वो कहीं पीछे छूट गया था। आई वॉज अ कॉर्पोरेट एचआर हेड फॉर 8 years इन अ कॉर्पोरेट, एंड 8 साल वहां काम करने के बाद फैमिली सिचुएशंस के कारण आई लेव दैट जॉब। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा माइनर डिप्रेशन में आई वॉज देयर इन 2 साल तक मैं डिप्रेशन में थी, एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड शी सजेस्टेड मी टू ज्वाइन सम डांस क्लास और समथिंग टू मूड फ्रेश हो जाएगा, बिकॉज मैं सोशलाइज करना मैंने बंद कर दिया था, बाहर जाना निकलना बंद कर दिया था, बिकॉज कॉर्पोरेट हेड का जो जॉब था इट वॉज वेरी हाई प्रोफाइल जॉब, एंड 2 साल तक घर में रहना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस डांस क्लास, वहां पे जुम्बा जस्ट स्टार्ट हुआ था, जुम्बा एंड अदर डांस फिटनेस फॉर्म्स जो वो स्टार्ट हुए थे नागपुर में। सो आई स्टार्टेड, मुझे अच्छा लगने लगा, आई वॉज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था 2 साल में वो वापस आ रहा था। एंड हाउ आई केम टू फिटनेस इज कि छोटी सी स्टोरी है, जब मैं ये क्लास में जाती थी तो ये क्लास में कभी कभी जो इंस्ट्रक्टर होती थी वो मुझे कहती थी कि आप आज लीड करो, तो मैं वहां पे लीड करती थी, तो ऐसे करके बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ही लीड करती थी, एंड आई वाज गुड देन द इंस्ट्रक्टर देयर। तो सारे जो मेरे फ्रेंड्स वहां पे थे वो लोग मुझे बूस्ट करने लगे कि यू आल्सो बिकम अ इंस्ट्रक्टर, यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो इनिशियल थॉट मेरा ऐसा था कि इंस्ट्रक्टर कौन बनेगा, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बहुत मुझे लो प्रोफाइल लगता था, बिकॉज कॉर्पोरेट में काम करने के बाद फिटनेस इंडस्ट्री तब इतना ये नहीं थी, अब ज्यादा फिटनेस का अवेयरनेस आ चुका है लोगों में, एंड अभी इस जॉब को काफी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। बट आई गेव अ थॉट कि चलो एज अ प्रोफेशन नहीं, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं इसका सर्टिफिकेशन करूंगी, और मैं मुझे सीखना है इसलिए मैं करूंगी। तो देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड, सो ही सेड गो अहेड इफ यू लाइक इट। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, द वेरी नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी कि अब सर्टिफिकेशन कर लिया, अब क्या करना है आपको? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो टू जिम्स एंड टेक सेशंस एंड एवरीथिंग। सो ही सजेस्टेड मी दैट वी हैव अ प्लेस, वाई कांट यू स्टार्ट योर ओन स्टूडियो, नॉट एज अ प्रोफेशन बट एज अ पैशन, एज अ हॉबी, सो दैट यू लव दैट, यू डू दैट। सो मैंने इसे स्टार्ट किया था एज अ पैशन, एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू अ प्रोफेशन, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी रिस्पॉन्स फ्रॉम नागपुर। इतने लोग मेरे पास अभी 3 सालों में करीब करीब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेट, सो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स बाय नागपुर पीपल। आपने बताया कि आप डिप्रेशन में थी, और उससे आज आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, लाइक एवरीबॉडी नोज जब भी फिटनेस की बात आती है तो मधुमिता गोबरे इज द नेम, सो हाउ यू फील? आपके काम से आपने इतना
नाम बनाया है, हाउ यू फील अबाउट इट? आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं मुझे ऐसे लोग जानेंगे फिटनेस में. एंड एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इन एमबीए व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए मुझे स्टेज फियर बहुत था पहले. मैं जब प्रेजेंटेशंस भी देती थी तो बहुत कम छोटा पार्ट मेरा होता था. और बट नाउ आई फील सो प्राउड दैट मैं एमबीए स्टूडेंट्स को आई गिव लेक्चर्स ऑन फिटनेस ऑन पर्सनैलिटी एंड ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग. आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बट देर इज नथिंग टू स्टॉप बिकॉज एज आई सेड कि लर्निंग 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 इज माई मोटो. सो आई कीप लर्निंग एंड अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, जस्ट द बिगनिंग. अभी बहुत जाना है आगे. बहुत आगे जाना है. एब्सोल्युटली. अब हमारी नागपुर की लेडीज को क्या मैसेज देंगे? हमारे इंडियन जो औरतें हैं उनका जो ये है सोच. हाँ यस, कि पहले अभी तो मेरे बच्चे हैं, पहले इन-लॉज, फिर पति का करना, इसका करना. यस, वो सब तो आते रहेगा जाते रहेगा, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट व्हाट अबाउट यू? नोबडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. सो फर्स्ट अपने आप के बारे में ध्यान दीजिए. अब हमें आपको ये बताना है कि आपको जो पसंद है वो कीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लेडीज के लिए. थैंक यू सो मच मधुमिता, आपके वर्ड्स मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस में एक चेंज लेकर के आएंगे. और ऐसे ही हमारे बेस्ट विशेस है कि आप और आगे अच्छे. थैंक यू सो मच. और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा बुलाते रहो. बिल्कुल बुलाएंगे. और हम तो आपको फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी यहाँ पे बुलाएंगे. एनी टाइम एनी टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.